अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है भैया, उठ जाओ सब लोग और अच्छे से तैयार हो जाओ और घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो, कुछ मीठा खाओ और अपने दोस्तों के साथ घूमो, अपनी फैमिलीज के साथ जाओ अपने रिश्तेदारों में मिलने के लिए। तो अभी मैं उठा हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त जो है अपने ऊपर रूफ टॉप पे, जो मैंने छत पर बकरियाँ रखी हुई हैं उनको चारा देने आया था और अभी जाना है, तैयार होना है, सांगढ़ जाना है अपने रिश्तेदारों के कज़न के यहाँ घूमने के लिए, बच्चों को लेकर फैमिली को लेकर। तो उससे पहले जो है मैंने बकरियाँ रखी हैं, तो सुबह सुबह की यही रूटीन, 7 बजे 8 बजे उठकर बकरियों को जो चारा देना होता है, तो अभी आया हूँ चारा देने के लिए, वो भी दिखाता हूँ आपको। बकरियाँ देखो चारा खा रही हैं, मकई है चौप हुई हुई तो वो खा रही हैं और सारी खा रही हैं, मैं दिखाता हूँ। एक ये देखो, इसको देखो नवाब साहब को दिखा, मैं आपको सारी बकरियाँ दिखाता हूँ मेरी। तो सुबह सुबह की यही रूटीन होती है, उठना होता है, उठने के बाद जो सारी बकरियों को जो है वो चारा डालना होता है, चारा डालने के बाद जो है फिर ही कुछ करना होता है। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी नहीं पी। तो सुबह सुबह यही रूटीन होती है, उठ के पहले बकरियों को चारा डालना है, फिर जाना है, फ्रेश होना है, नहा होकर कपड़े पहन कर फिर जो है बाद में नाश्ता करता हूँ। तो इस वक्त जो है बकरियाँ चारा खा रही हैं, दिखाता हूँ आपको, और मुर्गियाँ भी हैं जो चारा खा रही हैं। वीडियो क्वालिटी में कुछ मसला आ सकता है, पीछे धूप आ रही है, सनलाइट की वजह से इशू हो सकता है। तो देखो बकरियों को ज़रा, साथ साथ मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, उससे एक बेनिफिट और मिल जाता है कि वो अंडे फ्री के मिल जाते हैं, इनके साथ ये खाती रहती हैं, इन्हीं के साथ ही फीड होता रहता है इनको। और ये है मुर्गा मेरा, देसी बड़ा मुर्गा। अच्छा, ये असल में लड़ाई वाला मुर्गा है ना, ये लड़ाई करता है, अभी ज़ख्मी हुआ हुआ है, आपस में लड़े हैं ये मुर्गे। दूसरा वाला ये है, ये लड़ा है इसके साथ। तो गाइस ये सीन है, ये मेरा फार्म बनाया हुआ मैंने छोटा सा अपना घर के ऊपर, वैसे तो एग्रीकल्चर फार्म पे भी है, तो लेकिन मैंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैंने एक फार्म जो है घर पर भी बनाया हुआ है। तो ये बकरियां हैं, ये शेड मैंने बनाया हुआ है घर पे, खुद से बनाया है। तो कैसे बनाया है इसका भी मुकम्मल रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगा, क्योंकि अभी तो जाना है, जल्दी है। आप बकरियाँ देख लें, फ़िलहाल सारे चारा खा रही हैं। यार असल में क्या है कि मैंने आपको बताया था वो खुरली बनवानी है उससे कारपेंटर से, पर वो ईद की वजह से नहीं बना सका। ये मेरा कुर्बानी का जानवर है भाई, ये कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा हूँ, आप इसकी देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये टेढ़ा बकरा है, पहाड़ी टेढ़ा, और ये इसी का बच्चा है साथ में, ये बाप बेटे हैं दोनों। ये शहजादा खड़ा हुआ है, खा रहा है चारा गुलाबी। तो गाइस धूप में आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी कड़क धूप हो गई सुबह सुबह के टाइम। तो ये सीन है, साय में आ जाता हूँ फिर बात करता हूँ। तो गाइस ये सीन है, बकरियाँ रखी हुई हैं मैंने अपने गोट फार्म, अपने छत पर तकरीबन 20-22 हैं, 20-22 मतलब 21 हैं, कुछ जो मैंने वापस ट्रांसफ़र कर दी अपने एग्रीकल्चर फार्म पर, जो मेरा एक गोट फार्म है
वहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दी है, तो सुबह सुबह की यही रूटीन होती है। सुबह सुबह उठना होता है, मुंह धोए बगैर आ जाता हूँ, इनको चारा डालना होता है। चारा डालने के बाद जो है फिर जाता हूँ नहा कर, फ्रेश होकर, फिर तैयार होकर, फिर ही दिन की शुरुआत तो यहीं से ही होती है। असल में बकरियाँ रखी हैं और बकरियों को मैं ना देखूँ और इनके साथ दिल लग गया है, तो जब जब भी मैं थोड़ा बोरियत महसूस कर रहा होता हूँ तो इनके पास इधर आके फार्म पे बैठ जाता हूँ बकरियों के साथ। तो तैयार हो जाऊँ, फिर मिलते हैं। गाड़ी साफ़ हो गई है, गर्मी हो गई है, तो अभी जा रहा हूँ, फिर रास्ते में अपडेट देंगे। यार गर्मी हो गई है जी। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, अभी फ्यूल डलवा रहा हूँ बाइक गाड़ी में, सॉरी कार में, बाइक में ज़्यादा घूमती है इसलिए बाइक का लव निकल गया। तो अभी फ्यूल डलवा रहा हूँ, फ्यूल डलवाने के बाद एक वो खड़े हैं पीछे और दूसरा जो है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। भाई ये मेरा दोस्त है, इससे भी मिल लो, प्रकाश प्रकाश, इलेक्ट्रिशियन शॉप है इसकी यहाँ पे और सोलर पैनल वगैरह भी जो है सेल आउट करता है। तो फिर रास्ते में आपसे मिलते हैं, रास्ते का सफ़र दिखाते हैं आपको। तो वो खड़े हैं ना गाइस, दूसरी फैमिली उस गाड़ी में, सामने वाली में, वो सामने जा रही है। तो इस वक्त सांगड़ की तरफ हम जा रहे हैं, रवा दवा है सांगड़ की तरफ। तो ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज़ करना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी अपडेट देता रहूँगा। फिर चलते रहो, चलते हैं। Feelings. Yet you still hold me down when you got your own issues that you're going through. What I'm going through, what I put you through, what you've been through has been quite a lot, and yet you still here, even when I ain't here. And I'm out here just living life, chasing all this when I got you. But I had to fall back, cause when I look at you I see more than just another pretty face with a nice ass that you got there. And I can tell that I've been wrong about you, but the one thing I love about the boy is that I still got you. I'm just in my feelings right now, but you never getting fed up somehow. Yeah, you got me believing right now. I pray I never lose you, cause right now, ay, all I want is someone I can talk to. I might make it hard for you, but you get through. Guys, so Sangar pahunch chuke hain, अभी कब्रिस्तान जाना है, अपने प्यारों की कब्रों पर, वहाँ पर जाके दुआ मांगनी है, फातिहा पढ़नी है। और उसके अभी फूल लेने के लिए खड़े हुए हैं, फूल ले रहे हैं ये फूल वाले भाई साहब हैं सांगड़ के। और फूल लेने के बाद कब्रिस्तान जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर कज़न वगैरह से ईद वगैरह मिलने के बाद अपडेट चलती रहेगी। ये मेरा कज़न है, मेरे साथ खड़ा हुआ भाई सेन, ये दूसरी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ और मैं अपनी गाड़ी में हूँ। फूल ले लिए, कांगड़ का टूर नहीं करवा सकते क्योंकि फैमिली के साथ आया हूँ और ईद मिलने के हिसाब से। फिर मिलते हैं आगे चल के। हेलो बोल दे अगर बोलने हैं तो कुछ। आप सबको ईद मुबारक। कब्रिस्तान हम पहुंच चुके हैं, ये साइड में ईद का भी है और सांगड़ का पुराना कदीमी कब्रिस्तान है ये। गर्मी बहुत शदीद है, बहुत तेज़ गर्मी है। इस वक्त टाइम देख लें 11 बजे हैं और गर्मी जो है बहुत शदीद है। कदीमी कब्रिस्तान है ये जी। बाबा हाँ, एक मिनट वापसी में चंद बाबा। गर्मी बहुत शदीद है, तो आपको पीछे जो मज़ार है कब्रिस्तान का उसके भी दिखाते हैं वीडियो जी। तो ये यहाँ का कब्रिस्तान है, वीडियो बना रहा हूँ।
बैक साइड पे मेरी फैमिली है, ये है दरगाह, अल मखदूम सरकार सैयद फजल हुसैन शाह गिलानी, ख्वाजा ख्वानगा सरकार सैयद अनवर अली शाह गिलानी। तो ये देख लें, ये है इसकी हिस्ट्री भी देखते हैं आगे जाके। तो दोस्तों ये है यहाँ की दरगाह। बहुत गर्मी है शदीद, गॉगल्स जो है मैं अपने वहाँ भूलकर आ गया हूँ गाड़ी में। बहुत शदीद गर्मी है इस वक्त। ये मेरे बैग पे जो है मज़ार है, दरगाह शरीफ है, और अभी दुआ का दुआ मांग लेते हैं अपने प्यारों के कब्रों पर, उसके बाद फिर चलते हैं क्योंकि वीडियो तो चलती रहनी है। आप भी जाएं अपने प्यारों की कब्रों पर, दुआ मांगें उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह पाक हम सब के जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यार ये मेरे कज़न हैं, ये भी साथ आए थे। ये है जैद अबड़ो, शाहज़ैन बोजदार, फहद अबड़ो, और ये जैन अबड़ो। ये जो है अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, अगरबत्तियाँ लगाने के लिए। हाँ जी, तो सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं आप। मैं जी कह रहा हूँ ये अगरबत्तियाँ हम जला रहे हैं तुरबतों पे लगाने के लिए। जी तो गाइस ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया सलवा। सलवा ईद मुबारक कह दो सबको। सलवा जी, ओह अजवा, सॉरी यार यार मैं बच्चों का नाम भूल जाता हूँ अपने। एक का नाम सलवा है, एक का नाम अजवा है, तो मैं नाम ही भूल जाता हूँ। अजवा आओ, ईद मुबारक कह दो, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, भूल जाता हूँ यार मैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा शाम कर दो, शाम कर दो, शाम कर दो, ईद मुबारक कर दो, ईद मुबारक। चलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, ईद मुबारक कर दो, ईद मुबारक कर दो, उधर सबको ईद मुबारक कर दो, उधर देखो ना, वो देखो वो देखो वो देखो, ये देखो ये देखो, हाँ बोल दिया भैया। तो भैया सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये मेरी प्यारी बेटी है, छोटी से छोटी, छोटी में छोटी, तीन बच्चे मेरे, एक बेटा है, दूसरी बेटी अजवा फातिमा है। तो ये है सलवा फातिमा, बहुत प्यारी है, क्यूट है माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा यार, नज़र नहीं लगा दीजिएगा। तो ये जो है मेरी दाढ़ी से खेलती रहती है। तो यही होते हैं छोटे छोटे, यही बच्चे, ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। ओ लो लो लो, बाबा को मार दिया, आप कर दिया, आप कर दिया, आप कर दिया, ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली। तो भैया माशाल्लाह से भाई बहुत एक्टिव है, उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे, आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं कि आपके बच्चे भी आप खैरियत से रहें और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो भैया गाड़ी चलानी है, गर्मी हो रही है, फैमिली गई हुई है कब्रिस्तान पे, मैं फातिहा कर आ गया हूँ, फातिहा जो है दुआ मांग कर आ गया हूँ। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ इस वक्त, तो बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से बच्चों को मैंने दोनों चले गए बड़े, ताकि छोटी को नहीं जाने दिया मैंने। गुस्सा, वो देखो कौन है, वो देखो कौन है कैमरा में, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे मुझे चाहिए कैमरा चाहिए, ले लो ले लो ले लो। सुन लो भाई, स्टार्ट हो गई है। पहचान नहीं रहा है मैम, ये भाई हमारे चरण ईद मुबारक, खैर मुबारक, कौन है ये, कौन है ये, कल ये पहचान भूल गया, देख लो ये मेरा कज़न उसामा मोहाल, पीर उसामा मोहाल, और ये है सैयद शहजाद शाह। तो भाई आप किस पे आए? हम गाड़ी में। ड्राइव किसने करी? अब्बू ने। अच्छा अब्बू ने करी, मैंने बोला देने के लिए। नहीं नहीं अब्बू ने, अंकल आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
और सब ठीक है? गर्मी है, गर्मी में एसी में, उधर गाड़ी में तो पता नहीं चला, गाड़ी में तो एसी में पता नहीं चलेगा। और गुफी भाई, गुफरान गुफरान, हेलो करो भाई, सब मेहमान आना स्टार्ट हो गए हैं, हेलो करो, हेलो हाय करो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, चाहिए है मोहम्मद गुफरान। मोबाइल कौन सा? तेरा वीवो एस, वीवो एस वन से बन रही है इस वक्त वीडियो, रिजल्ट बताइएगा, रिजल्ट बताइएगा कैसा है। ओप्पो से अच्छा है ना? रो 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 हेलो, ये रो रहा है। चलो ये भाई मोबाइल पर आया, मेरा नहीं, दे रहा हूँ इसको वापस, इससे वीडियो वीडियो ले लूँगा, डालूँगा एडिट करने के टाइम, फार्म भराने। देखा ये आया, अंधेरा हो गया है, ये देख लो, ये कोरोना वाले, कोरोना इसको कोरोना है, लेकिन हमारे साथ घूम रही है, हमको नहीं होता। बार बार तो कौन हुआ कद? हाँ अच्छा, थे बार बार तो कौन वही है ना, धरिन पुलिया लो के रहे के आइन के नहीं के तो हुआ ना बस क्या जान बची हुई गाइस, मैं वापस किप्रो जा रहा था सांगढ़ से, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर कल्टस गाड़ी है, वो ये टर्न थोड़ा सा ऐसा है, इस वजह से गाड़ी जो है वो कल्टी हो गई। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सब खैर खैरियत हो गई है, और इसीलिए थोड़ा एहतियात किया करें गाड़ी चलाते हुए। वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी, कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी कल्टी हुई है क्योंकि टर्न ऐसा है, उसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी कल्टी हुई। तीन बंदे थे, तीनों ही बाहर आ गए, कोई बच्चे, कोई कैजुअल्टी जो है इस हादसे में नहीं हुई है, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। तो गाइस आप लोग भी थोड़ा सा एहतियात किया करें। तो गाइस ये सीन था, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई, तीन बंदे थे साथ में, और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में जो है वो गाड़ी जो है रोड से उतर गई और खाई में जाकर गिर गई, जिसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। अल्लाह का करम हुआ, लाकेसान हुआ कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह खैर करेगा। गाड़ी दिखा देता हूँ आपको एक और बार, वो देखें सामने।